हम पर हमला होने वाला है, लिफ्ट एरिया में खतरा है। लाइन को दूर रखो। सीएम मैडम को लिफ्ट के आगे से हटाओ। हटिए। सीएम मैडम को हटाओ। आप लोग भी आ जाओ। ये अरे भाई यही क्या हो रहा है? भाभी ये तो गोलियों की आवाज है। ऋषि, ऋषि यहाँ पर प्लीज बचाइए खुद को, कोई सेफ जगह ढूंढिए जल्दी प्लीज। अरे अरे पर हाँ बच्चे बच्चे पारो रोहन वो दोनों तो नहीं लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं तू 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 वहाँ पर घूम मत तू चाची चाची बच्चे पारो और रोहन उन्हें लक्ष्मी मुझे नहीं पता बच्चे यहीं के आसपास ही थे। तुम्हें नहीं पता मतलब आसपास मतलब क्या थे? तुम्हारे पास साथ ही तो थे ना वो? मुझे नहीं पता सच में नहीं पता। मैंने टीवी पर देखा है पर यहाँ तो बंदूकें चल रही है। अरे वाह मजा आएगा, मैं अपने फोन से इसका वीडियो बनाऊंगी। जल्दी लक्ष्मी जल्दी। तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तुम्हें बच्चों को बचाना चाहिए। कहाँ है कहाँ है बच्चे ऋषि बताओ बच्चे। ऋषि अभी तक तो बच्चे यहीं पे थे। यहीं पर थे तो कहाँ है अभी क्यों नहीं है यहाँ पे बताओ प्लीज मुझे कहाँ है ऋषि। ऋषि ऋषि मुझे देखो ऋषि प्लीज मत बोलना कि मुझे नहीं सुनना है जो तुम बोलने वाले हो। प्लीज 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 मुझे मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता बच्चे कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं अभी। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी कुछ कुछ काम तुम्हें नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं? I mean, मुझे वो बच्चे ना यहीं पे आसपास ही कहीं खेल रहे थे और मैंने उन्हें परमिशन दे दी खेलने की क्योंकि ये हमारे ही होटल है और काफी सेफ जगह है। तुम्हें किस एंगल से ये होटल सेफ लग रहा है? I mean, सेफ है। बम द पोकल बम 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 प्लस मेरे बच्चे किस साल में होंगे? मेरे बच्चे हमारे बच्चे तुम प्लीज अभी रो मत। हम ढूंढेंगे हमारे बच्चों को। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती ऋषि, अगर तुम उनका ध्यान रखते ना हमारे साथ थे बच्चे तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था। ऋषि ऋषि तुम मैंने मैंने बोला भी था ना तुम्हें मैं बोल के गई थी। तुमने मैनेजर को कहा? तुम्हें सच में लगता है मैंने मैनेजर को बोला था? हमारे बच्चे कहना बहुत आसान है लेकिन जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।
बस कह दिया हमारे बच्चे, अब कहाँ कहाँ है बच्चे, कहाँ ढूंढे हमें, पता नहीं कैसे हाल होंगे। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना लक्ष्मी, वो मेरे भी बच्चे हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं उनके साथ था तब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तब सब कुछ नॉर्मल था। तुम्हें कभी कुछ पता ही कहाँ होता है, तुम मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हारे पीछे आ भी नहीं रहा। आराम से मम्मी जी। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है और ये भागदौड़ क्यों मची हुई है? अरे ताकि हम लोग डर जाए, सारे लोग डर जाए। वो आतंकवादी यही तो चाहते होते हैं। आतंकवादी? हाँ, मैंने खुद सुना, कुछ आतंकवादी ना प्लानिंग कर रहे थे आज के आतंकी हमले के लिए। वैसे ना मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए समझ ही नहीं आया। और वैसे भी वो लोग ना आतंकवादी जैसे लग नहीं रहे थे। पर मुझे ये हैरानी हो रही है कि वो हमारे होटल में ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ भीड़ है। हाँ, इसीलिए हम किसी फेस्टिवल या किसी नेशनल हॉलिडे वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलते। स्पेशली वैसी जगहों पर जहाँ पर भीड़ हो, क्योंकि वहाँ ये प्रॉब्लम होती है। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग जब भी मेरे आसपास होते हो ना, मेरे एक नई प्रॉब्लम स्टैंड अप हो जाती है। रानू जी प्लीज, इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए। और वैसे भी हम तो सब खुद छुपने पर मजबूर हो गए, हमें थोड़ा ना पता है ये लोग कौन है और क्यों गोलियां चला रहे हैं। मुझे एड्रेस है। दोनों बच्चे पारो, रोहन, माँ, लक्ष्मी माँ, रोहन, लक्ष्मी, यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ गया यहाँ पे? रोहन बेटा नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको, आपको डरना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल मत डरना। पारो कहाँ है लक्ष्मी माँ? पारो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ खेल रही थी ना? हाँ, वो तो मेरे साथ ही थी, पर फिर वो वीडियो बनाने चली गई। वीडियो कैसे बना रही थी वीडियो? मैंने तो उसे फोन नहीं दिया, तो फिर फोन किसने दिया उसे? डैड ने अपना फोन दिया वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तुम मेरा एक काम करोगे? आप बताओ ना। रोहन तुम्हें ना छुपना है। नहीं, मैं नहीं छुपूंगा, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है। मुझे मेरी बहन चाहिए पारो, मुझे उसे ढूंढना है। पता नहीं वो कैसी होगी, और अभी तो वो बच्ची है ना, उसे डर लग रहा होगा। नहीं, मुझे ढूंढना है उसे। रोहन बेटा, इसे जिद नहीं करते ना, मैं हूँ ना यहाँ, मैं उसे ढूंढ कर आपके पास लेकर आऊंगी, ठीक है? आप बिल्कुल भी घबराओ मत, बस प्लीज मेरे लिए छुप जाओ। जैसे ही पारो मुझे मिल जाएगी ना, मैं उसे आपके पास लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? फिर आप उसका ध्यान रखना, ओके? ठीक है, पर कहाँ छुपना है? मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ। रोहन मेरे साथ। लक्ष्मी माँ, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, वापस चलो। रास्ता है रोहन, रास्ता है, मुझे पता है बेटा। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, 2 साल पहले। चप्पा चप्पा जानती हूँ इस होटल का, जो कोई नहीं जानता ना वो भी जानती हूँ, ठीक है? तो कहाँ है रास्ता लक्ष्मी माँ? मेरे साथ। तो आपके लिए क्या पंडित जी बुलाएं, या क्या कोई मुहूर्त निकलवाएं, बताइए। यही तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से ना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन, चाहो नहीं बताती, खुद ही ढूंढ लो। अरे इतनी ही बड़ी फैन है तो बता दीजिए ना। अरे माइंडलेस हो क्या, माइंड नहीं है क्या? ताना मारी थी मैं, इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है? अच्छी पागल आ रहा था। सच बात तो ये है ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। डिट्टो, हमारी भी फीलिंग्स यही है, हम भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। शेम टू शेम। फिर चल।
बताना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। सबको टाइम पे आगाह कर दूं तो सब खुद को बचा सकते हैं, पर मैं कैसे जाऊं? रोहन साथ है, क्या करूं? लक्ष्मी माँ, हम नहीं जा सकते। क्यों? हमें पहले सबको बताना होगा, मतलब अलर्ट करना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है, जिससे वो भाग जाए या छुप जाए, क्यों उनका मन करेगा। हाँ रोहन, मैं ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं करूंगी, ठीक है? आपको ना वो रूम दिख रहे, वो रूम में छुपना है, ठीक है? आप वहाँ छुपो, मैं जाके सबको बता कर आती हूँ, ठीक है? चलो आज। नहीं नहीं नहीं, आप अकेले बाहर नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपको वो छूना नहीं चाहिए ना, इसलिए प्लीज। बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, आप इतने बहादुर हो, इतने स्ट्रांग हो, इतने ब्रेव हो, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ अकेले छुपने के लिए, वरना मैं आपको छोड़कर ही नहीं जाती। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, और अगर आप मेरे साथ चलोगे ना तो मुझे पूरे टाइम चिंता लगी रहेगी कि आपको कुछ ना हो जाए, तो उससे ना मैं भी काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ छुपो, मैं फटाफट से जाके सबको बता कर आती हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब बताओ, आप मेरी हेल्प करोगे? छुपोगे वहाँ पे? मैं फटाफट वापस आ जाऊंगी, ठीक है? प्लीज। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखोगी पक्का? चलो, हम ना धक्का दे देंगे आपको, फिर ये टेररिस्ट आपको देख लेगा और गोली मार देगा। बताइए, दे धक्का? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर बताइए क्या बताएं आपको। तुम नहीं बताऊ? जाओ। नहीं बताएंगे? नहीं पक्का? नहीं। अभी नहीं बताएंगे? ये लोग सीएम को मारने आए हैं। सीएम? हाँ। लॉबी जी, गिलहरी कहेगी धक्का क्यों मारा मुझे? चपेट लगाऊंगी ना। ये रानू, वो कंट्रोल कर अपने गुस्से पे, शांत रह। ये टाइम शांत रहने का है। और अगर फिर भी गोलियों से भुने जाएंगे सारे के सारे। और अगर फिर भी बदतमीजी की ना तो हम करूंगी। अच्छा, मेरी मर्जी, बदतमीजी करनी होगी ना करूंगी, तुमसे मतलब बढ़िया ही। अभी ये यहाँ आई क्यों है? क्योंकि वो लक्ष्मी यहाँ। एनीवेज, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। अभी हम सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा, सबको सेफली होटल से बाहर निकालने के बारे में सोचना होगा, और हो सके तो सीएम को भी सेफली बाहर निकालना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे होटल की रेपुटेशन खराब, उन्हें हमारे होटल में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर सेफ है, कहीं और चलते हैं। उधर चलते हैं। बेटा आप यहीं रहना, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, आपको अंधेरे से डर तो नहीं लगता ना? नहीं, अंधेरे से डर नहीं लगता लक्ष्मी माँ। वेरी गुड, तभी तो आप मेरे सबसे ब्रेव बच्चा। रोहन, आपको नए सलमारी में छुपना पड़ेगा, छुपोगे? ओके। वेरी गुड, लेकिन जब तक मैं नहीं आती और मैं आपको आके नहीं बुलाती ना, तब तक आप बाहर नहीं आओगे, प्रॉमिस करो। नहीं आऊंगा। नहीं, प्रॉमिस करो। सीमेंट प्रॉमिस, जब तक आप आने बाहर नहीं बोलोगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, ठीक है लक्ष्मी माँ? ठीक है, वेरी गुड। डरना मत, मैं अभी आती हूँ।